पहले केमिकल फार्मिंग करता था, पर केमिकल फार्मिंग मुझे पता चले कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत है, प्रॉफिट होता नहीं है उसमें। और फिर बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग से शिफ्ट होके फिर हम लोग नेचुरल फार्मिंग पे आए, तो मुझे अभी खर्चा कुछ भी नहीं है, मुनाफा होता है 80,000 रुपीज, पूरा मुनाफा होता है। अगर इंडिविजुअल फार्मिंग भी होगा, सिर्फ घर में सिर्फ पति और पत्नी भी हो गए, तो वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। मार्केट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, और मार्केटिंग हमारा खुद का है, इसलिए प्रॉफिट का मार्जिन हमारा बढ़ जाता है, और हमारा डिपेंडेंसी हमारा ट्रेडर के ऊपर पूरा खत्म हो गया है। बनाना तो नहीं पड़ता है, प्रकृति में सब नियम पहले से ही है, सिर्फ वो मानव को वो जानना पड़ता है। फ्रीडम ऐप पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, धन्यवाद है जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग के इकोसिस्टम की। आपने बिल्कुल सही सुना कि नेचुरल फार्मिंग इकोसिस्टम, ये कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे मेंटेन करना है, इसका रख रखाव कैसा है भी या नहीं, लेकिन ये अगर मैं कहूँगा उतना मज़ा नहीं आएगा, राइट? किसी एक्सपर्ट की जबानी सुनते हैं। तो हमारे साथ अक्षय जी हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा नेचुरल इकोसिस्टम बनाया है, तैयार किया है। अक्षय जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि ये आइडिया कहाँ से आया, और उसके बाद दूसरा सवाल, ये सब मैनेज कैसे किया आपने? मैं पहले केमिकल फार्मिंग करता था, पर केमिकल फार्मिंग मुझे पता चले कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत है और प्रॉफिट होता नहीं है उसमें, तो हमने ऑप्शन ढूंढना शुरू किया। तो ऑप्शन में हमको ऐसा मिला कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है, तो फिर हमने केमिकल को छोड़ के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किया। तो उसमें पर कैसा है, वो भी डिपेंडेंट है मार्केट पे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लाओ, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लाओ। तो फिर ऐसे ही हमको खेती करते करते हमको पता चले एक नेचुरल फार्मिंग का भी एक फार्मिंग होता है, पर वो कौन है वो पता नहीं था हमको, कोई करता है कि नहीं ऐसा इंडिया में। तो हमको ऐसा पता चला कि एक सावी गुरु जी बोल के जो बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और गुजरात के बॉर्डर पे, तो भास्कर हिराजी सावे बोल के, तो पूरा नेचुरल फार्मिंग करते, विदाउट उनका फार्मिंग इतना आगे बढ़ा है कि वो टिलिंग भी नहीं करते, उनका जो भी जुताई होती है विदाउट टिलिंग का उनका फार्मिंग है। तो फिर उससे हम लोग इम्प्रेस होके फिर हम लोग जितना हम प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, और मार्केट पे डिपेंड जो डिपेंडेबिलिटी है फार्मर की, तो भले वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हो तो वो भी डिपेंडेबिलिटी हमको कम करनी थी। तो उस तरफ से फिर हम लोग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी, हम लोग पहले केमिकल फार्मिंग करते थे, फिर बाद में उससे शिफ्ट होके फिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आए, और फिर बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग से शिफ्ट होके फिर हम लोग नेचुरल फार्मिंग पे आए। जो हमारे एंशियंट जो किसान करते थे वही सब से अभी हम लोग फार्मिंग चालू किया है। तो अक्षय जी, आपने इस पूरे फार्म को पहले केमिकल्स के इस्तेमाल से शायद ऑर्गेनिक बनाया, ऑर्गेनिक के बाद इसे एक पूरी तरह से नेचुरल इकोसिस्टम बनाया, तो ये करने में कितना समय आपको लगा, और ये करते हुए क्या आपको मुनाफा भी हुआ एट द सेम टाइम साथ ही साथ, या रुकना पड़ा, या इसमें उल्टा कोई खर्चा हो गया, कैसे हुआ ये ज़रा प्लीज़ बताइए जी। तो पहले जब मैं केमिकल फार्मिंग करता था तो अंगूर की खेती करता था, तो अंगूर के खेती में पहले कैसा होता था, बाहर से मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र लाओ, केमिकल पेस्टिसाइड लाओ, लेबर पे बहुत डिपेंडेंसी थी, और जब अंगूर आते थे तब ट्रेडर आके, मेहनत तो किसान करता है पर उसका भाव ट्रेडर डिसाइड करेगा कि वो कितने में लेगा। तो फिर मैं ऐसा सोचा कि केमिकल फर्टिलाइज़र वालों के लिए काम कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड वालों के लिए काम कर रहा हूँ, और ट्रेडर के लिए काम कर रहा हूँ, और लेबरर के लिए काम कर रहा हूँ, फिर बचता ही कुछ नहीं था। तो फिर हम धीरे धीरे फिर हम लोग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट किया, तो करीब करीब मैंने 6 साल केमिकल फार्मिंग किया। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होके वो भी हम लोग 4 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग किया। फिर अभी अभी हम लोग करीब करीब 2 साल पहले नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए। फिर उसका भी एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में कैसा मुनाफा होता है। समझो एक अभी एग्जांपल पकड़ो कि हम लोग गेहूँ की खेती करते हैं, तो हाफ एकर लैंड पे करते हैं हम लोग, तो पहले तो जुताई करनी पड़ती है, पर हम तो जुताई करते नहीं है नेचुरल फार्मिंग के नियम से। फिर उसको क्या करते हैं कि पहले ग्रास कटर से उसका पैरा पूरा वीड्स निकाल देते, जो खरपतवार होती है वो पूरा निकाल लेते, निकालने के बाद उसमें हम पानी भर देते हैं, फिर पानी भरने के बाद फिर उसका थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया क्या, फिर हम टोकन पद्धति से उसमें खपली का बीज 1 फीट बाय 8 फीट पे लगाते हैं, वो भी हम लोग हैंड सीड सोइंग मशीन से लगाते हैं। फिर देखो फिर मेरा जुताई का खर्चा कम हो गया, मेरा देसी बीज होने के वजह से मुझे मार्केट से
हर साल बीज लाना डिपेंडेंसी वो भी कम हो गया, क्योंकि देसी बीज हम हर साल यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में उसके बाद में जो हम सीड्स का जो सोइंग करते हैं मैकेनाइजेशन से, तो वो भी मैंने विदाउट मैकेनाइजेशन खुद के घर से ही किया, हैंड सीड सोइंग में से, वो भी मेरा खर्चा कम हो गया। फिर बाद में जब हम उसको, तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते नहीं, वो भी खर्चा कम हो गया। केमिकल पेस्टिसाइड हम मारते नहीं, वो भी खर्चा कम हो गया। वीडिसाइड भी मारते नहीं, वो भी खर्चा कम हो गया। फिर बाद में सिर्फ हम उसको पानी भरना है और फिर जीवामृत देना है, गोकृपा अमृतम देना है, वो भी हम घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे देसी गाय भी है। जब उसका हार्वेस्टिंग होता है तो वो भी हम लोग ग्रास कटर से ही कराते हैं। सिर्फ एक हुड लगाना पड़ता है, अटैचमेंट लगाना पड़ता है वो ग्रास कटर पे, उससे हम हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद जैसा धान निकलने के बाद, जैसा कोकन में जो किसान होते वो धान को जैसा ड्रम पे जाके ऐसा ये करते हैं, बीटिंग करते हैं, तो उसके लिए भी मैकेनाइजेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो एक प्लास्टिक ड्रम लेने का, खपली वीट का पैडी लेने का, और वो ड्रम पे सिर्फ ऊपर नीचे करने का, उसके ऊपर मारने का, तो वो सब सीड्स उसका निकल जाता है। तो उधर भी हमारा डिपेंडेंसी मैकेनाइजेशन पे कम हो गया। फिर बाद में वो हम मेरा हाफ एकर पे 500 केजी खपली वीट होता है, और वो हम 1 केजी बेचते हैं हम लोग 80 रुपीज़ से। तो मुझे हो गया 80 रुपीज़ बोले तो वो हो गया 40,000 रुपीज़। तो मुझे अभी खर्चा कुछ भी नहीं है, सोइंग का खर्चा नहीं है, जुताई का खर्चा नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र का खर्चा नहीं है, केमिकल पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है, वीडिसाइड का खर्चा नहीं है, हार्वेस्टिंग का भी खर्चा नहीं है। तो स्टार्ट टू एंड से मुझे कुछ भी खर्चा नहीं है, सब मेरा फार्मिंग पे डिपेंड है, मतलब फार्मर आराम से कर सकता है खुद के हिस्से। और फिर मुझे उससे 80,000 रुपीज़ मुनाफा होता है, 80,000 रुपीज़ पूरा मुनाफा होता है, क्योंकि मेरा खर्चा ही नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं उसमें। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जो आपका खेत है, सबसे पहले तो ये कितना बड़ा है, कितने एकड़ जमीन है ये जिस पर हम खड़े हैं? तो अभी हमारा खेत है 3.5 एकड़ है। 3.5 एकड़, और इस 3.5 एकड़ में आपने कितने अलग अलग किस्म के फल और सब्जियां उगाई हैं, ऑल नेचुरल इकोसिस्टम से? अभी मेरा 3.5 एकड़ में 1.5 एकड़ का शुगर केन का प्लॉट है। ओके, 6x4 फीट पे, और ये हो गया 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ में मेरा, और 1 एकड़ पे मेरा है फ्रूट का बगीचा है, मेरा फ्रूट का बगीचा, उसमें मैंने मैंगो, मेरा मेन क्रॉप उसमें है मैंगो और चीकू। हाँ, तो ये हो गया 2.5 एकड़, अभी 1 एकड़ बचा है। तो उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म जो क्रॉप्स होता है 4 मंथ्स का, उसके लिए हमने सिर्फ 1/2 एकड़ का लैंड रखा है, और फिर बचा अभी 1/2 एकड़ का। तो उसमें मेरा घर है, उसमें मेरा ये गाय का जो चारा है उसका करीब करीब 12 घंटे का चारा है, और गाय के लिए थोड़ा सा जगह रखा है। अच्छा, और आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए आपने और भी किसानों को अपने साथ रखा हुआ है जो आपके लिए काम करते हैं ये, या अपने आप ही आप अकेले सब मैनेज कर पाते हैं? मैं अपने आप ही अभी तो इतना, मतलब अपने आप तो आराम से मैनेज हो सकता है, अगर इंडिविजुअल फार्मर भी होगा, सिर्फ घर में सिर्फ पति और पत्नी भी हो गए तो वो आराम से मैनेज कर सकते है इतना मल्टी क्रॉपिंग 3.5 एकड़ का, क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, और मार्केटिंग हमारा खुद का है। हम लोग मार्केट में माल बेचने को जाते ही नहीं, हम लोग मतलब बल्क क्रॉपिंग में जाते ही नहीं, बोले तो ऑनियन बल्क क्रॉपिंग, सोयाबीन बल्क क्रॉपिंग, जो मकई का बल्क क्रॉपिंग है, जिसके वजह से हमको मंडी में जाना पड़ता है, और उधर भी हमारे माल का भाव कौन ठहराता है, ट्रेडर। तो हम लोग जाते ही नहीं है, हम लोग खुद का उगाते है, खुद ही उगाते है, और हम खुद ही बेचते है। अच्छा, तो पहले जो ट्रेडर डिसाइड करते थे कि आपकी प्रोड्यूस की कीमत क्या होगी, वो तय करते थे। हाँ, वो तय करते, अब वो नहीं हो रहा है, अब आप अपनी कीमत पे बेचते हैं, अब आप तय करते हैं कि आपको कितने में बेचना है। जी 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 जी, इसलिए प्रॉफिट का मार्जिन हमारा बढ़ जाता है, और हमारा डिपेंडेंसी हमारा ट्रेडर के ऊपर पूरा खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा बोलते ही नहीं है कि खेती इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते नहीं, और जो बोलते हैं हम लोग को उनके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि हमने खुद पे ग्राउंड लेवल पे ये सब करके दिखाया है, हमने खुद ने अनुभव किया है ये सब चीज़ें, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ता है। और हमारा कस्टमर, एक बार हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट उसने लिया और उसने अगर एक बार चख के देखा तो वो हमको छोड़ता नहीं। तो अक्षय जी, ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक ऑल नेचुरल इकोसिस्टम है 100%, लेकिन जो उपज उगती है, जो निकलती है, उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई प्राकृतिक तरीका है, या कोई किसी किस्म का बैलेंस बनाना पड़ता है जो आपने बनाया है? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। बनाना तो नहीं पड़ता है, प्रकृति में सब नियम पहले से ही है, सिर्फ वो मानव को
वो जानना पड़ता है। मतलब कैसा है कि अभी ये झाड़ देखो, ये निर्गुंडी का झाड़ है, फार्मर फ्रेंडली जो कीटक होता है ना, तो उसका ये घर है। तो अभी समझो, अभी हमारा गेहूं, अभी फसल की कटाई हो गई, गेहूं की फसल की, तो उसके ऊपर जो फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट होता है ना, जिसको हम लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं, तो उसका भी रहने के लिए जगह नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसा झाड़ लगाते हैं कि जो जानवर उसकी पत्ती खाता नहीं है, जिसकी पत्ती कड़वी होती है, बोले तो निर्गुंडी का झाड़ हो गया, पपीते का झाड़ हो गया, सीताफल का झाड़ हो गया, अमरूद का झाड़ हो गया, तो वो हर किसान ने अपने खेत में लगाना मांगता है। तो जिससे वो बैलेंसिंग का काम करता है, बोले तो जो किसान का नुकसान करती है, जो कीड़ी नुकसानकारक कीड़ी होती है, तो उसको भी खाने वाली कीड़ी निसर्ग में, सृष्टि में पहले से ही मौजूद है। तो सिर्फ मानव को उसे पहचानना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है उसमें, बोले तो केमिकल पेस्टिसाइड मार के ऐसा वैसा, और उसके और उसको रहने के लिए, जैसा मानव को रहने के लिए जैसा घर मांगता है, तो उनको भी रहने के लिए एक घर होना चाहिए। तो वो घर वो कौन से हिसाब से है, वो झाड़, जंगली जो झाड़ होते हैं जिसकी पत्ती कड़वी होती है, जो जानवर खा नहीं सकते, वैसे झाड़ हमने उधर लगाने मांगते हैं हर किसान ने। तो फिर वो बैलेंसिंग करते हैं, फिर जो भी नुकसानकारक कीड़ी जो हमारे फसल पे आती है, तो उनको खाने के लिए जो भी कीड़ी आती है, जो फार्मर फ्रेंडली होती है, जो लेडी बर्ड बीटल हो गई, तो वो आके बराबर बैलेंस करती है। और एक बार फसल का एक बार कटाई हो गई तो वो झाड़ पे जाके वो रहती है। फिर बाद में अगर फिर अभी दूसरी फसल जब आती है, तो फिर वो झाड़ से फिर वापस उतर के वो फसल पे जाएगी, किसान की नुकसानकारक कीड़ी है, तो वो वापस वो झाड़ से आएगी, वो फसल पे जाएगी, वो नुकसानकारक कीड़ी को खाएगी जो अपने फसल को नुकसान नहीं करती है, और फिर वापस फसल कटाई के बाद फिर वो वापस कीड़ी वो अपने घर पे चले जाएगी, वो बोले तो झाड़ पे चले जाएगी। वाह, तो आपको ये बात समझ में आई, मतलब कितनी दूर की सोच है। आप सोच के देखिए, वो कीड़े जो उपज को खाते हैं, जो झाड़ों को खाते हैं, उनको खाने वाले और कीड़े होते हैं जो झाड़ों को नहीं खाते, इन्होंने उन कीड़ों को पालने के लिए ये झाड़ उगाया है, जो कि लेडी बर्ड बीटल जो जिनका ये नाम ले रहे थे, तो वो बाकी के कीड़े खा जाती है। मतलब ये वाकई में आपने सही कहा था कि रिप्लाई जो है, हर सवाल का जवाब ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद है, जी, जी, उसे बस ढूंढना है, जी, जी, और हमें मालूम करना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, जी, जी, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढा है। तो अक्षय जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये जो झाड़ हमारे पीछे है, जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये निर्गुंडी का झाड़ है, और निर्गुंडी का झाड़ आपने पॉलिनेशन के लिए उगाया है, बराबर, करेक्ट? तो अब आप ये बताइए कि इस झाड़ से पॉलिनेशन में आपको क्या हेल्प, क्या मदद मिलती है और कैसे? अगर आपको पॉलिनेशन करना होगा तो मधुमक्खी की आपको बहुत ज़रूरत गिरती है, वो भी नेचुरल पॉलिनेशन। तो मधुमक्खी के लिए आपको फूल चाहिए, तो फूल ऐसा झाड़ मांगते हैं कि जिसको हर महीने में उसको फूल आना मांगते हैं झाड़ पे। तो झाड़ ऐसा है, ये झाड़ ऐसा है निर्गुंडी का कि उसको हर महीने में फूल होते हैं उसको, तो इसलिए वो मधुमक्खी इधर आकर्षित होती है ये झाड़ पे, और वो मधुमक्खी वो एरिया में रुक जाती है फिर, क्योंकि उसको फूल की ज़रूरत होती है। और फिर बाद में उसी हिसाब से फिर आप जो फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं कमर्शियली, जो किसान लगाते हैं, तो बोले तो अमरूद हो गया, पपाया हो गया, उसका आम हो गया, आपका चीकू हो गया, तो उसका जो पॉलिनेशन, जिसके लिए उसको पॉलिनेशन की जो ज़रूरत पड़ती है, तो वो मधुमक्खी के हिसाब से वो पॉलिनेशन हो जाता है। पर उसके लिए आपको ऐसे झाड़ लगाने पड़ेंगे जिसको हर महीने में फूल आता हो। तो ये एक निर्गुंड ऐसा झाड़ है कि जिसको हर महीने में फूल होते हैं, जिससे पॉलिनेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो अक्षय जी, अब ये बताइए कि ये एक ऑल नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए पानी जो है वो कितना लगता है, कैसे लगता है, इरिगेशन आप कैसे करते हैं? मतलब कहने का और पूछने का ये है कि अगर कम पानी लगता है तो कितना कम लगता है, कितनी देर बाद आपको फिर पानी डालना पड़ता है, और अगर ज़्यादा पानी लगता है तो फिर वो भी बता दीजिए कि कितना ज़्यादा पानी है जो जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है। अभी हम खेती ऐसा करते हैं कि हम तो सबसे पहले जुताई करते ही नहीं खेती की, बगैर जुताई का हम लोग चार चार महीने का क्रॉप लेते हैं, और लॉन्ग टर्म पिक जो होता है ना, शुगर केन हो गया साल भर का, नहीं तो फ्रूट क्रॉपिंग हो गया जो सालों साल चलता है, तो जो चार महीने का क्रॉप होता है उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है चार महीने का। तो उसमें हम पहले तो क्या करते हैं, उसका जुताई नहीं करते, उसके बाद में पानी कम लगने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है वो बता रहा हूँ मैं। एक तो जुताई मत करो, बोले तो नो टीलिंग करो, उसके बाद में देसी बीज जिसको जो कम से कम पानी में आता है, जो वाटर रेजिस्टेंट रहता है, उसके बाद में खरपतवार नाशक जो होता है उसका भी आपने यूज़ नहीं करना मांगता है। उससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल वीडिंग करते हैं हम लोग,
तो उससे क्या होता है कि उससे मल्चिंग भी हो जाता है, अच्छा धन भी हो जाता है, नेचुरल अच्छा धन बोले तो जो भी खरपतवार हमारे खेत में उगती है उसको काट के हम लोग उधर ही डालते हैं जहाँ से वो उगी हुई है, तो उसका भी अच्छा धन हो जाता है। हम पानी देते हैं खेत को, उसमें का जो दो बार पानी देना तो उसमें का इंटरवल बढ़ जाता है। बोले तो जो लोग केमिकल फार्मिंग में 10 दिन के बाद पानी देते हैं, हम लोग करीब करीब 15 से 18 दिन के बाद हमारा दो पानी में इंटरवल होता है हमारा। तो फिर अभी जो भी मैं समझो अभी गेहूँ उगाता हूँ तो गेहूँ में सिर्फ 4 पानी में ही निकाल लेता हूँ, तो हमारे गेहूँ को लगते सिर्फ 95 डेज, जो हाइब्रिड गेहूँ को लगते 120 डेज। तो हमारा बगैर जुताई का गेहूँ है और उसमें हम लोग जुताई करते नहीं है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ज़मीन की, क्योंकि उसकी और उसके बाद में मल्चिंग होने की वजह से जल्दी से इवेपोरेशन भी नहीं होता है, इसलिए दो पानी के बीच में हमारा इंटरवल भी बहुत बढ़ जाता है। तो पहले हम पानी कब देते, जब सीड सो करते तो वो पहला पानी हो गया, फिर उसके बाद में हम 20 दिन के बाद पानी देते वो दूसरा पानी हो गया, फिर हमारा इंटरवल पानी का इंटरवल 5-5 दिन बढ़ जाता है, फिर तीसरा पानी हम 25 दिन के बाद देते बोले तो 45 डेज के बाद, और फिर चौथा पानी हमारा लास्ट हार्वेस्टिंग के 1 महीने के पहले हम लोग पानी का लास्ट ये करते, तो फिर उसका लास्ट राउंड देते उसको, तो फिर वो 75 डेज के अंदर ही हमारा लास्ट पानी सब हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग तक पानी देते नहीं, तो एकदम कम से कम लागत में हमारी उपज निकल जाती है। तो किस वजह से होती है, नो टीलिंग, देसी बीज, फिजिकल वीडिंग और पानी कब देने का है उसका भी नॉलेज मांगता है आपको। तो धन्यवाद अक्षय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइट जिसे कहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है कि ऑल नेचुरल इकोसिस्टम कैसे बनाया जा सकता है फार्मिंग इंडस्ट्री में, सो थैंक यू फॉर दैट। तो आपने भी सुन लिया ये 4 चीज़ें जो अक्षय जी ने बोली थी, इन चीज़ों का ख्याल रखिए, पानी कब डालना है, कितना नहीं डालना है, टिलिंग, बाकी सारी चीज़ें आपने सुन ली है, जानकारी आपने पा ली है। तो अगर कोई और सवाल है आपके मन में इस वीडियो को लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, कोई ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब करके ऐसे और दिलचस्प वीडियोज़ देखते रहिए। हैप्पी फार्मिंग।